नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। ये कि जो आप क्लास देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पर आधारित क्लास होगी और आपके महत्वपूर्ण सवाल इसमें शामिल किए जाएंगे। पहला सवाल है 51817 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों स्थानीय मान हमने आप सभी को बता दिया है, लेकिन आज फिर भी हम कुछ सवाल शामिल करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट होंगे। ये तो सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब सभी लोग दे देंगे। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं कि सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशली करवाइए क्योंकि पहले सेमेस्टर वाले ज्यादा परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्थानीय मान कैसे करते हैं। जिस संख्या का स्थानीय मान बोलते हैं उसके नीचे ऐसे खींच देते हैं, उसके बाद उस संख्या को उतार लेते हैं। जैसे 8 का स्थानीय मान था तो 8 को हमने लिख लिया, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद 1 लिख देते हैं। सभी सवाल में ऐसे करेंगे पहले, फिर उस गिनती के बाद जितना अंक है, 1 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, बस गुणा करना है। 100 का 8 में गुणा करेंगे, सभी जानते हैं कितना हो जाएगा 800। ये हो गया आपका पहला सवाल। आज हमारी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सवाल इसमें शामिल करेंगे क्योंकि जब लाइव होता है तब आप लोग बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम में बहुत कम सवाल हो पाते हैं। आज हम खूब सारा सवाल करेंगे बस थोड़े ही समय में। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और तुरंत लाइक करिएगा, क्वालिटी चेंज कर लीजिए, बिल्कुल फुल HD दिखेगा। देखिए दोस्तों, अब आपका दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ये थोड़ा सा हट करके है स्थानीय मान पर आधारित, लेकिन बिल्कुल अलग, सबसे जुदा, सबसे अलग। ध्यान दे कैसे कह रहा है, 51352 में 8 के स्थानीय मानों का योग होगा। 8 के स्थानीय मानों का योग निकालना है, माफ करिएगा यहां पर 5 है, 8 नहीं रहेगा क्योंकि 5 दो जगह है ना, ठीक है। तो भाई योग कैसे निकालते हैं स्थानीय मानों का, क्या करेंगे? सिंपल में आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें 2 बार 5 शामिल है ना, तो पहले हम दोनों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। इसको यहां पर लिख लेते हैं 5 1 और 3 5 2। तो दोनों 5 का स्थानीय मान, पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणा 1, और 5 के बाद अगर 1 अंक है तो 1 0, इस तरह से ये हो जाएगा 50, है ना। दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणा 1, इस 5 के बाद देखिए 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 बढ़ाते हैं, 3 4 गुणा करेंगे तो 5 के बाद भी आपका 4 0 आ जाएगा, क्लियर। योग मतलब होता है जोड़। अब आपको 50 में इसको जोड़ लेना है, जो बड़ी गिनती है उसको ऊपर लिख देते हैं, कहीं भी लिख के जोड़ लो भाई, ये 4 बार 0 लगा के और 50 को जोड़ना है। ध्यान दें 50 यहां आगे नहीं लिखेंगे, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अगर ऐसे जोड़ दें तो ये गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो 50 है ना आपका, ये पीछे लिखा जाएगा बाबू, ये ऐसे 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 जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ दो भाई, 0 में 0, 5 में 0 तो 5, और ये 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं, इसके भी नीचे कुछ नहीं, 5 के बाद 2 0 और 50, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला सवाल देखिएगा, कम समय में ज्यादा सवाल देखेंगे आज हम। मित्रों देखिए, आपकी मांग को देखते हुए हमने दाहिनी साइड, ये देखिए बाईं साइड पे व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया है, जिसको चाहिए वो ले लेगा, ठीक है। और हाँ, अगला सवाल, 150 में 3 से भाग करने पर भागफल क्या होगा, या फिर इसमें एक ऑप्शन और भी लिख लें आप लोग, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे आप जानते हैं, भाग देंगे तो 50 3 या 150 होता है, इसका उत्तर 50 आएगा, कोई उत्तर सही नहीं है। देखिए हम करके दिखा देते हैं, ये 50 है ना, 150 3 से करेंगे तो 3 5 15, ये घट गया यानी कि कट गया है ना, 0 उतार लिया, 0 में 3 का भाग 0 बार, ये देखिए 0 का सब 0 हो गया, खत्म हो गया। जो ऊपर जाता है ये क्या होता है, भागफल होता है, जिसे इंग्लिश में क्वाशियंट बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं ये क्या होता है, ये भाज्य होता है, और जिससे भाग करते हैं वो क्या होता है, वो भाजक होता है, और जो भैया नीचे बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, समझ गए ना। यानी कि 150 में 3 का भाग करने पर भागफल 50 आया,
इससे कोई मतलब नहीं कोई उत्तर सही है नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ई वाला सही है। ठीक है ना मजेदार। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 होगा? तो 24 को हम किस संख्या से गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए, गुणा करने का जो फल प्राप्त हो वो 2400 हो। सिंपल सी बात है, संख्या दी गई है 24 और प्राप्त कितना करना है, कह रहा कि 2400 हो। मतलब किस संख्या से गुणा करें कि ये 2400 हो जाए। सिंपल सी बात है, इसके आगे देखिए दो जीरो बढ़ा है ना, और दो जीरो किस संख्या में होता है, इसमें देखिए किसी में है दो जीरो? जी हाँ, सभी में दो जीरो है। बट ऐसे नहीं होगा, अगर इससे कर देंगे तो 4800 हो जाएगा, अगर इससे कर देंगे तो 2400 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 24 का एक में गुणा करेंगे तो 24, यानी कि करके देख लो ना भाई, ये 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे जब तो ये 2400 हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। क्यों, कैसे समझेंगे? देखिए 24 का गुणा अगर 200 में करेंगे तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, 2 का गुणा 24 में करना होता है और दोनों जीरो साथ में लगा देते हैं तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसे हम 300 से गुणा करते तो, अगर 300 से करते तो दो जीरो तो आ जाता बगल में, लेकिन 3 से गुणा करते 24 में तो 72 हो जाता, मतलब ये बदल जाता और हमें लाना 2400 था, इसलिए 100 वाला सही होगा। तो अगला सवाल देखिएगा फटाफट, तुरंत अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, गौर फरमाइएगा। 15% का भिन्न रूप क्या होगा? भाई ये परसेंटेज में दिया है, आपको भिन्न में बदलना है। हमने आपको सिखाया है अगर भिन्न का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करना है, अगर भिन्न का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करना है। तो भाई इसमें से चिन्ह हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 को 100 से भाग कर देंगे। अब आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिससे 15 भी कट जाए और 100 भी कट जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 3 से 15 कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो ये 5 ही हो सकता है। ये 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10 और 5 × 0 मतलब 3/20। ये भिन्न रूप आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया। तो अगला सवाल पे चलते हैं, और इस क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दे बाबू। मित्रों आप सभी से सवाल कुछ अलग तरह के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये वनडे एग्जाम नहीं है, तो आपको डिस्क्राइब भी करना होगा व्हाट इज मल्टीपल, गुणा क्या है, कृपया स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको स्पष्ट कैसे करेंगे, जरा सोचें गुणा होता क्या है। अगर 5 का 3 में गुणा कहा जाए तो आप लोग यही रटते हैं कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो भाई, 15 हो जाएगा, है ना। बट ये दूसरा तरीका से भी हो सकता है, क्या जिसको पहाड़ा नहीं आता वो गुणा नहीं कर सकता? कर सकता है, वेरी सिंपल। देखिए गुणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसी अंक को या उसी संख्या को, कौन से अंक कौन सी संख्या जिससे गुणा करने को बोला जा रहा है, एक से अधिक बार जोड़ा जाता है वो गुणा कहलाता है। देखिए जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहा जाता है या कहते हैं, समझ गए ना। जैसे अगर 15 का गुणा 3 में करें तो आप सभी जानते हैं 15 × 3 = 45 होता है, तो ये 45 आ गया। लेकिन जिसको 15 का पहाड़ा नहीं आता क्या वो गुणा नहीं करेगा, वो भी करेगा। सिंपल सी बात है, 15 को जितने से गुणा करने को बोला गया है उतना बार जोड़ दो, तो 3 से गुणा था हमने 15 को, इसलिए 3 बार जोड़ दिया, तब भी तो 45 आ गया ना। चाहे ऐसे जोड़ो मेंटल टाइप का, चाहे वैसे बचपन वाला तरीका लगाओ नीचे ऊपर लिख के, इसे कहते हैं पंक्ति मेथड, इसे बोलते हैं कॉलम मेथड, समझ गए ना। तो ये तो सभी जानते हैं 45 होगा ना जोड़ने पर, अरे भाई जोड़ लो 5 5 10 5 15 के 5 हाफी लाया 1 और 1 2 3 हाफी ले 4, क्लियर है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपके सामने कई सवाल आ चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अलग थोड़ा सा डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, नहीं टेंशन लीजिएगा। करें कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा, इसलिए आप कुछ अच्छा काम करें जिससे कि आप लोग की वजह से कोई और भी प्रेरणा पाए। और हाँ अगर आप मैथ के सिवा और भी कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि पर्यावरण
बाल विकास, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी अंग्रेजी और भी बहुत कुछ। तो पीबीआर स्टडी को अनएकेडमी पर अवश्य फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर किसी प्रकार की हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें या फोन कॉल करें 9793488448। पीबीआर स्टडी आपकी सेवा में 24 घंटे सातों दिन तत्पर। चलिए आगे चलते हैं। 2/5% की साधारण भिन्न क्या होगी? भाई अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो इसको हल करने के लिए पहले हम इसको समझते हैं, पहले हम प्रतिशत की बीमारी हटाएंगे, ठीक ना? तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम लगाते हैं। आठवां सवाल, 25% को हम क्या करेंगे? भाई 25 को प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से गुणा भाग कर देंगे, ये बस इसी को काट दीजिए, हो गया। 5 से कट जाएगा दोनों, ये 5×25 और 5×10 हो गया ना। बट ये तरीका गलत है क्योंकि इसमें दो बार काटना पड़ रहा है। देखिए 5×5, 5×5, 5×20 इक्वल क्या आया? 1/4। लेकिन ये तरीका सही नहीं क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। फिर भी आप कैसे करेंगे इसे? दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कैसे? ये 25 बटा क्या किया 100। अब आप जानते हैं 25×25, 25×4 1/4 आ गया एक ही बार में, और ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो गया, है ना। आगे चले, अब ये सवाल देखते हैं। इसका काम खत्म हो गया तो इसको हम चाहे तो मिटा दें, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हो गया इसका काम, है ना। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो 2/5 में क्या करेंगे भाई? 100 से करेंगे भाग। अब हो गई आपकी मुसीबत, ये तो बड़ा अजब सा आ गया। आप कैसे होगा? बहुत ही आसान है ये, इसको ऐसे बराबर करके लिखो भाई। अब सोचिए, पहले 2/5 तो भिन्न के रूप में पहले से था ना, यानी कि ये भिन्न के रूप में है, ये 100 ही अकेला है तनहा सा, तो इसको भी भाई साथ ही दे दो, एक एक लगा दो साथ में। अब देखिए ये भी क्या हो गया? भिन्न के रूप का आ गया ना, बस ये भी एक भिन्न बन गई, ये भी एक भिन्न बन गई। अब पहली भिन्न को ऊपर वाली को लिख लेते हैं वैसे जैसे है, फिर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के कार्यक्रम में कैसे करेंगे? गुणा का चिन्ह लगा के इसे पलट देते हैं, तो जो 100 ऊपर है एक नीचे है ना, एक ऊपर हो जाएगा भाई और 100 हो जाएगा नीचे, बस इसी को हल कर लेते हैं। जो कटे काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 50 आ गया, और ऊपर एक आ गया, एक का एक में गुणा कर लो, कैसे होगा? ये ऐसे होगा, और ये 5 का गुणा 50 में, है ना। तो 1/ देखिए ये 250 कैसे आया, 5×5 में गुणा कर लिया 25 हो गया, 0 को बगल में लिख दिया, 1/250। ऑप्शन नंबर है आपका सी वाला सही, है ना मजेदार सवाल। अगला सवाल पे चलते हैं, नंबर 9वां सवाल देखिएगा। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कृपया थोड़ी सी क्लास को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को फिर से देख लें, आप समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, हजार बार देख सकते हैं भाई, देखने की चीज है ये, ठीक ना। तो आगे चलें, आप इसे कई बार देख सकते हैं। अब है ये सवाल, 7.62 को 3 से भाग करने पर मान क्या होगा? भाग करना है किसको? 7.62 को 3 से भाग करना है, तो भाग कर लो भाई सिंपल सा, दशमलव को भूल जाओ पहले, ये मान लो कि दशमलव है ही नहीं। तो दशमलव अगर नहीं है तो आप लोग बहुत खुशी खुशी हल कर ले जाएंगे इसको, और क्या करेंगे, ये 7.62/3 अगर दशमलव ना है तब कितना आसान है ना। कैसे? यही बना लो भाई बचपन वाला, ये 762 3 से करेंगे तो 3×6 तीन अंक का भाग भी पूछ रहे थे कुछ लोग व्हाट्सएप पर। ध्यान दें, पहले एक अंक में भाग ले जाते हैं अगर जा रहा है तो 3 का भाग 7 में जा रहा ना, क्योंकि 7 बड़ा 3 छोटा है, तो 3×6 घटाने पर आ गया 1। अब हमने क्या उतारा? जो बगल में गिनती है उसको उतार लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया, भाग नहीं जाएगा, इसलिए उसके पड़ोसी को भी नीचे उतार लेंगे। तो आ जाओ भाई, ये अब 3 का भाग ले जाएंगे 16 में, कितना बार? 3×5=15, 3×6=18 ज्यादा हो जाएगा, इस संख्या से ज्यादा ना हो, इतना बार ले जाएंगे कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। तो घटा लो भाई, 1 आ गया और ये 2 हो गया 12,
तीन का भाग दे दो फिर से 12 में, तो 3 चौका 12, ये आ गया कितना 254 आ गया ना, ये देखिए 254। लेकिन दशमलव को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, समझ रहे ना, अगर कोई चीज बनता है आपके द्वारा तो आप उसे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। तो भाई चुकाना क्या पड़ेगा, इसमें दशमलव देखिए दो अंक पर लगा है ना, दो अंक पर लगा है, तो हम इसमें एक दो अंक गिन करके और दो अंक पर उत्तर में लगा देंगे दशमलव, और ये हो गया सिंपल सा आपका उत्तर, कुछ भी नहीं करना है। 2.54 ऑप्शन नंबर ए है सही, जल्दी से नोट कर ले। और फिर हम आपको दिखाते हैं अगला सवाल। मित्रों भिन्न तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन भिन्न होती क्या है, आखिर आपने कभी सोचा भिन्न क्या होती है? ये सब तो हमने आपको सिखा दिया, 2/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी जानते हैं, अगर हर हर बराबर है तो अंशांश जुड़ जाता है, 2 1 3 और 1/7 ये हो गया है ना। लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन? तो भिन्न जो है वो साधारणतया किन्हीं दो राशियों के अनुपात को कहा जाता है, किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। अनुपात मतलब जैसे 5:4 इसे आप लिख सकते हैं 5/4, x/y इसे आप लिख सकते हैं x/y, 5/7 को आप लिख सकते हैं 5/7, समझ गए ना। तो ये होता है भिन्न। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, अपने विचारों को जरूर कमेंट करें, और सभी क्लास को करने के लिए हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, और हाँ PBR स्टडी के दूसरे यूट्यूब चैनल PBR स्टडी ग्रुप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और मैथ को आसान बनाने के लिए मैथ आसान है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपके कोई सुझाव शिकायत अथवा कुछ भी इंक्वायरी है तो आप हमें निसंकोच नंबर पर व्हाट्सएप